आजकल अग्निवीर जो भर्ती चल रही है भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में, उस संबंध में काफ़ी भारी संख्या में हमारे पास विद्यार्थी आ रहे हैं और अपनी चरित्र प्रमाण पत्र बना रहे हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में कल हमारे पास 5,000 अभ्यर्थी यहाँ पर तहसील कर सकते थे अपने सर्टिफिकेट प्रिंटिंग के लिए। कल प्रातः 9 बजे से रात के 1 बजे तक हम सर्टिफिकेट प्रिंटिंग कर रहे थे। एक व्यक्ति जो अपने आप को श्री नितिन बिष्ट के नाम से जाने जा रहे हैं, दरवाज़ा जो है बंद करके सामने बच्चों को जमा करके जनाधार कक्ष में रखे हुआ था, नारेबाजी करवा रहे थे और अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे, भड़काऊ भाषण दे रहे थे। उनके द्वारा जब मेरे द्वारा जब उनको रिक्वेस्ट करी गई कि आप जरा साइड में आ जाए, मैं आपसे बात कर लेता हूँ, तो उन्होंने मेरे को यह कहते हुए अलग झड़प दिया कि जो भी बात होगी यहीं पर होगी। जब मेरे द्वारा उनको पुनः ये बताया गया कि बच्चों के सर्टिफिकेट प्रिंटिंग कार्य चल रहे हैं, आप उसमें बाधा डाल रहे हैं, उनके द्वारा मेरे को ये कहा गया कि आप होते पुनः 5 बजे के बाद ऑफिस खोलने वाले। जब बहुत समझाने पर भी वो नहीं समझे और मेरे को धमकी देने लगे और इस तरह से माहौल बन रहा था कि आज नहीं या तोड़फोड़ हो सकती है जनाधार कक्ष में, तो मजबूरन मेरे को उनको अपने तहसील परिसर के बाहर खरीदना पड़ा। और इस क्रम के बाद फिर मेरे द्वारा जो प्रभारी निरीक्षक हैं उनको सूचना दी गई कि आप पता लाके इनकी आवश्यक कार्रवाई करें इनके लोग, और मेरे द्वारा सरकारी कार्य में बाधा और सरकारी सेवक को धमकी देने के रूप में इनके इनके लोग काम आपने करना, मैंने करना है, मैं इतना मारूंगा ना सारे सही हो जाएगा, उधर जाए इधर इतना। चलो मेरे को एक बात साले कलेक्टर।